एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम एनुअल एग्जाम कैसे लेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है और सुननी है, ठीक है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि हम ओरल एग्जाम कैसे लेंगे। तो देखिए, 8 अप्रैल को LKG इंग्लिश ओरल एग्जाम है एंड HKG में हिंदी ओरल एग्जाम है। तो देखिए, इंग्लिश ओरल एग्जाम के दिन आपको क्या करना है कि हम आपको पहले ही बता देंगे कि ओरल का सिलेबस क्या है और एग्जाम वाले दिन ही हम आपको बताएंगे कि किस चीज की वीडियो बनानी है। जैसे इंग्लिश ओरल के एग्जाम के दिन क्या है, मैम ने आपको बोला कि कोई रैम सुनाई है, ठीक है, रैम सुनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको रैम सुनाते हुए एक वीडियो बनानी है और ये जो वीडियो है ना, ये आपको एग्जाम के टाइम में बनानी है। जैसे मैम ने आपको टाइम में रखा है 9 to 12 आपका एग्जाम टाइमिंग है, तो आपको विद इन 2 आवर्स ये वीडियो बनाकर सेंड करनी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इंग्लिश ओरल एग्जाम में मैम ने बोला कि राइम सुनाइए, तो आपको राइम सुनाते हुए वीडियो बनानी है। फिर मैम ने बोला कि आपको क्या करना है, एक लाइन का पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, एक पेज में या मैम ने एक पेपर में आपको राइट डाउन करके दे दिया कि आपको ये पैराग्राफ लिखना है। आपको क्या करना है, आपको वो पैराग्राफ पूरे पेज पर राइट करना है, ठीक है, और हमें उसी टाइम में ग्रुप में वो या जो ग्रुप में जो नंबर दिया गया है मैम का, उनके नंबर पर ये सेंड करना है, ठीक है। और HKG में क्या है, HKG में हिंदी ओरल एग्जाम है। तो हिंदी ओरल में क्या होगा कि हिंदी ओरल में भी मैम ने बोला कि मुझे एक कविता सुनाइए, तो आपको कविता सुनाते हुए एक वीडियो बनानी है और मैम को सेंड करनी है। अब देखिए, 9 अप्रैल को LKG में हिंदी ओरल एग्जाम है और HKG में GK ओरल एग्जाम है, ठीक है। तो हिंदी ओरल में क्या करना है, हिंदी ओरल में भी मैम ने बोला कि एक कविता सुनाइए, तो आपको क्या करना है, आपको कविता सुनाते हुए एक वीडियो बनानी है और मैम के व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो भी आपको टाइमिंग दिया गया है उसके अंदर ही सेंड करना है। अगर आप उस टाइम में वीडियो नहीं सेंड करते हैं तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और GK ओरल में क्या करना है, GK ओरल में जैसे मैम ने बोला कि फ्रूट नेम सुनाइए या वेजिटेबल नेम सुनाइए, तो आपको क्या करना है, पहले आपको बोलना है माई नेम इज --- ऑफ क्लास, ठीक है। क्या करना है, आपको पहले अपना नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज प्रियंका शुक्ला क्लास HKG, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है। एंड देन आपको स्टार्ट करना है 5 फ्रूट्स नेम, ठीक है। तो फ्रूट्स नेम कैसे बोलेंगे, एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर, पपाया, ठीक है, ये बोलते हुए आपको वीडियो बनानी है। एंड इससे जस्ट बाद मैम ने बोला कि वेजिटेबल नेम भी सुनाइए, तो आपको क्या बोलना है, 5 वेजिटेबल्स नेम, जैसे जो भी वेजिटेबल नेम है आपको वो बोलना है, ठीक है, लेडी फिंगर हो गया, टमेटो हो गया, पोटेटो हो गया, ये आपको बोलना है। और अगर आपको वीडियो बनाते हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि ना तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप कीजिए, ना आप वीडियो को बीच में पॉज कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कंटिन्यू रखनी है, आपको बीच में ना पॉज करना है और ना ही आपको वीडियो स्टॉप करनी है। तो ऐसे आपको ये GK ओरल, हिंदी ओरल और इंग्लिश ओरल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए, अब 10 अप्रैल को क्या है, LKG में मैथ्स ओरल है और HKG में इंग्लिश ओरल है। तो मैथ्स ओरल में क्या करना है, मैथ्स ओरल में भी मैम ने आपको बोला कि 2 की टेबल सुनाइए या और 1 to 10 या 1 to 20 काउंटिंग सुनाइए, तो आपको क्या करना है, एट फर्स्ट आपको बोलना है माई नेम इज --- ऑफ क्लास, ठीक है। तो आपको पहले अपना नेम बताना है एंड देन आपको क्लास बतानी है एंड देन आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। जैसे टेबल ऑफ 2, तो 2 की टेबल बोलिए एंड उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद आपको बोला है काउंटिंग सुनाइए, तो आपको फिर काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ऐसे आप स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश ओरल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, जो भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि 2 की टेबल है या 1 to 20 काउंटिंग है, ये एग्जाम्पल के लिए है, एग्जैक्टली पेपर में ऐसा नहीं आएगा। जो भी आपको वीडियो बनानी है वो उसी दिन आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी।
लगे कि आज आपको ये वीडियो बनानी है। ठीक है, आपको सिलेबस जो हम पहले सिलेबस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को प्रिपेयर करना है इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए एंड जो भी हम पूछेंगे वो सुनाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रिटन एग्जाम के बारे में कि हम रिटन एग्जाम कैसे लेंगे। तो रिटन एग्जाम में क्या करना है, हमें ग्रुप में पेपर, अब मैं आपको बताऊंगी रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम को कैसे देने हैं कि आपको अपनी एग्जाम शीट स्कूल में आनी है, स्कूल से कलेक्ट करनी है एंड देन आपको क्या करना है, घर पे जाके उसे सॉल्व करना है विद इन 2 आवर्स या जो भी आपका एग्जाम टाइमिंग है इसी पीरियड में आपको सॉल्व करना है एंड हमें उसकी फोटो सेंड करनी है। जैसे ग्रुप में आज मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स वाले मैम अपना नंबर सेंड कर देंगी, तो आपको उसी टाइम पीरियड में वो पेपर सॉल्व पेपर की फोटो हमें सेंड करनी है। नहीं तो अगर आप एग्जाम टाइमिंग में वो हमें फोटो नहीं सेंड करते हैं तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ स्कूल से कलेक्ट करनी है और घर पे ले जाके उसको सॉल्व कराना है। आप हमें घर पे ले जाके एग्जाम, जो भी आपको एग्जाम टाइमिंग दिया रहेगा उसमें ही मुझे मतलब जो भी मैम आपको नंबर देंगे ग्रुप में उनको सेंड कर दीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब हम आपको एक पर्टिकुलर डेट देते हैं उस दिन आप अपना सॉल्व पेपर स्कूल में लेकर आइए और हमें सबमिट कराइए। ठीक है,